नमस्कार। ये जो वीडियो है ये HTML जो फॉर्म है उसमें एक पार्ट आता है ड्रॉप डाउन का। फॉर्म का मतलब है कि हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, पर जो ये लिस्ट या ड्रॉप डाउन कहते हैं इसमें ऑलरेडी ऑप्शंस होती हैं, आपने सिलेक्ट करनी होती है। कैसे? हमारे पास लेट बी सपोज ये है कांगड़ा और उन्ना के कुछ मंदिर टेम्पल्स हैं उसके है, तो ये फॉर्म का एक पार्ट है जिसमें कि आप किसी एक को सिलेक्ट करते हो और उसको सबमिट करते हो। डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड भी ये रहता है। इसका कैसे कोड है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। आप पूरी स्क्रीन क्या देख रहे हैं, ये कोडिंग वाला है जिसमें कि कोडिंग कर रहे हैं, और ये ब्राउजर है। ब्राउजर को छोटा किया है आपको डिस्प्ले करने के लिए कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है। तो उसका करते हैं, ये सिंपल आपको पता ही है कि हेड पार्ट है और ये क्या है, सारी बॉडी पार्ट है। बॉडी में मैंने एक लेवल लगाया है। लेवल किसके लिए लगाया है? टेम्पल के लिए लगाया है। और ये फॉर्म मैंने स्टार्ट किया, आपको पता है इसके दो तीन एट्रीब्यूट्स होते हैं, या एक नेम एट्रीब्यूट होता है और उसके बाद एक्शन एट्रीब्यूट होता है। इसके बारे में डिटेल में हम पिछले वीडियो में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। एक मेथड एट्रीब्यूट होता है। ये वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं ये किसके लिए हैं? दीज एट्रीब्यूट्स आर फॉर, यहाँ पर जो नेम है वो किसके लिए? फॉर्म का नाम। एक पेज पे कई फॉर्म हो सकते हैं, तो किस फॉर्म की इनपुट जा रही है सर्वर को वो है। एक्शन क्या है कि किस फाइल को जा रहा है, सर्वर की कौन सी फाइल है, क्योंकि यार सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग नहीं कर रहे हैं हम, तो सिंपल यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं फ्रंट एंड जिसको कहते हैं HTML CSS JavaScript। उसके बाद मेथड ये होता है कि वो गेट से जा रहा है या पोस्ट से जा रहा है, वो डिफरेंट इशू है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट कि ये हमारे पास सदा जैसे ये है ये कैसे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, इसको कैसे डिस्प्ले कर रहे थे? इसके लिए जो हमारे पास टैग है वो है सिलेक्ट, और उसके बाद सिलेक्ट से क्या है इस पर्टिकुलर कंट्रोल का नाम, वो टेम्पल टेम्पल्स। ओके, इसको मैं एस को ये फार एस ये सेम होना चाहिए, जो नेम है वो सेम होना चाहिए। तो इस कंट्रोल का नाम क्या है? टेम्पल इसका नाम है। और इसके अंदर जो ऑप्शंस आती हैं उसको कैसे लिखते हैं, उस चीज को आप अंडरस्टैंड करिए। तो यदि मैं इसको आउटपुट में देखूँ तो ड्रॉप डाउन में सबसे टॉप पे क्या आ रहा है, माँ चिंतपूर्णी शिव बाड़ी ऐसे आ रहा है। तो ये कैसे डिस्प्ले हो रहे हैं और दो नाम लिखे जा रहे हैं इसके, आप अंडरस्टैंड करिए, ये इंपॉर्टेंट है। और पहले में देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने स्पेस दिया हुआ है, ये स्पेस नहीं देना है, इसलिए रखा है कि आपको बताने के लिए स्पेस नहीं देना। अब समझो कि वैल्यू का मतलब क्या है और माँ चिंतपूर्णी जो हिंदी में लिखा है इसका मतलब क्या है। ये यूजर को डिस्प्ले होगा, जब यूजर को सिलेक्ट कर लेगा तो वो इंफॉर्मेशन किस में जाएंगी, इंग्लिश में माँ, और मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ अंडरस्कोर। ये जो इंफॉर्मेशन है ये सर्वर को जाएंगी कि यूजर ने क्या सिलेक्ट किया हुआ है। सिचुएशन ये आ रही है कि फॉर्म है कोई दूर से, मतलब कि आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई है, आपने कोई इंटरफेस बनाया हुआ है, और यूजर ने सिलेक्ट करना है कि मुझे किस मंदिर में जाना है और मुझे उसकी पूरी डिटेल चाहिए, चाहे वो टेम्पल से रिलेटेड है कि आपने रीच कैसे करना है, बाई एयर कैसे करना, बाई ट्रेन, बाई ऑन व्हीकल या बस से कैसे करना है, होटल वगैरह वगैरह की अवेलेबिलिटी क्या है, मंदिर की क्या हिस्ट्री है, वहां पे पर्टिकुलर जो प्रोसेस है दर्शन करने के वो क्या है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसने सिलेक्ट तो हिंदी में करना है, बट जो हमारी प्रोसेसिंग होगी, जो हमारी सिलेक्शन के अकॉर्डिंग डिसीजन होंगे वो इंग्लिश में होंगे। आपको पता ही है कि जितने भी कोडिंग आप करते हो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में करते हो, हिंदी में ऐसा सच कुछ ऐसा है नहीं। तो दोनों को अंडरस्टैंड करो, ये होता है डिस्प्ले का वर्ड इस ड्रॉप डाउन में, और ये इन एक्चुअल होता है जो सर्वर को जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे कोशिश की कि हिंदी और इंग्लिश में लिखे। तो ये हमारे पास क्या है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे सपोज कोई आपने नया इंट्रोड्यूस करना है तो यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ। तो कैसे करते हैं, ऑप्शन नेम वैल्यू क्या है इसकी, लेट बी सपोज हम कर रहे हैं माँ ज्वालामुखी, तो उसके लिए अंडरस्कोर ओके। और हिंदी में ऐसे मैंने इसको मैंने कॉपी किया था इन एक्चुअल, इसको मैं पेस्ट किया है। तो हिंदी में किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, ऑनलाइन की वेबसाइट से हिंदी में लिख सकते हो, या आप टाइपराइटर हिंदी का चूज कर सकते हो उससे आप लिख सकते हो। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि ये एक नया इसमें इंट्रोड्यूस हो गया। यदि मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको तो ये हमारे पास क्या आ गया, माँ ज्वालामुखी भी साथ में आ गया। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस हैं ये आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो, और सिलेक्ट करने के बाद
ये जो इंफॉर्मेशन है कैसे जाती है इसको आपको मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्ज वाला हूँ सिलेक्ट किया, इसको मैं स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ और मैं सबमिट कर रहा हूँ। अब ऊपर देखिए आप जरा फाइल का देखिए, टेम्पल्स इज इक्वल टू मार्ज वाला मुखी। यदि मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि जैसे मैं अंडरस्कोर नहीं देता तो यहाँ पे प्लस का निशान आता है, तो प्लस का निशान आता है तो वो क्या है हमारे पास ज्यादा बेटर वे से डिस्प्ले नहीं करता है वो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है आपने अंडरस्कोर को यूज करना है जब भी हम वैल्यूज को देते हैं। फर्दर ये कि आप एक से ज्यादा वैल्यूज को भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है मल्टीपल, ये क्या है, ये एट्रीब्यूट किसका है, ये एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है सिलेक्ट का है। और यदि आप कहते हो कि हम मुझे एक नहीं यहाँ पे एक से ज्यादा दिखने चाहिए, तो उसके लिए एट्रीब्यूट है साइज। साइज कितना, लेट बी सपोज मैं 3 दे देता हूँ, 3 साइज का मतलब है कि इस ड्रॉपडाउन लिस्ट में आपको कितने दिखाई दे, 3 दिखाई दे, तो ये 3 दिखाई दे रहे हैं। आपने एक से ज्यादा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल को दबाइए, एक से ज्यादा को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। अब थोड़ी सी यदि इसको हमने स्टाइल देना है और फील एंड लुक इसका चेंज करना है तो उसके लिए हम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या है स्टाइल, आपको पता है कि स्टाइल ये कौन से स्टाइल मिल रहे हैं, ये एम्बेडेड स्टाइल है पूरे पेज के लिए है। तो यहाँ पे पहले बॉडी की बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ मैं, तो आपको बताइए ये कैसे चेंज करते हैं, बॉडी बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं कलर कौन सा दे रही है जी आर ए वाई ग्रे कलर दे दिया। इससे क्या होने वाला है जो बॉडी की बैकग्राउंड है वो चेंज हो रही है। ये वाला जो पार्ट है इसमें कोडिंग कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट है ब्राउजर में जिसमें जो आउटपुट आ रही है आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी कोई फील एंड लुक इतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो स्टाइल इसीलिए होते हैं, यहाँ पे हम कलर्स दे सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं। तो वही कोशिश करते हैं देने की कि मैंने किसको लिया, सिलेक्ट क्या है ये, दिस इज ए टैग, और सिलेक्ट में मैंने मार्जिन दे दिया, मार्जिन किसने का 5 पिक्सल का, तो अंडरस्टैंड कर लीजिए इससे क्या फर्क पड़ रहा है, ओके। उसके बाद क्या कर दिया, पैडिंग कितना दे दिया 5 पिक्सल, इससे क्या हुआ उसके अंदर की जो मार्जिन है वो बढ़ गया, ओके। अब यहाँ पे आप कलर देना चाहते हो, कलर देना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो, तो बैकग्राउंड कलर में अब फर्स्ट टाइम यहाँ पे हेक्साडेसिमल कलर बता रहा हूँ आपको, ये RGB कलर होते हैं, पहले 2 हेक्साडेसिमल करेक्टर्स R के होते हैं, तो मैं इसको FF8800, पहले FF किसके लिए, रेड के लिए, 88 किसके लिए, ग्रीन के लिए, 0 किसके लिए है RGB ब्लू के लिए, इसको रिफ्रेश किया तो हमारे पास ये आया, ओके। अब ऐसा ही सबमिट का आपने करना है, यहाँ पे मैंने मल्टीपल लिया हुआ है, साइज 3 है, इसको मैं हटा रहा हूँ, ओके। तो आउटपुट ऐसी आ रही है। यदि आप सबमिट का भी चाहते हो तो ये देखो मल्टीपल सिलेक्ट किसको लिया मैंने, ये वाली टैग को सिलेक्ट लिया है, यानी कि सिलेक्ट के अंदर जितनी भी ऑप्शन आएंगी उसके ऊपर ये वाला स्टाइल अप्लाई होगा। ये वाला स्टाइल मुझे सबमिट पे भी चाहिए, तो बताओ यहाँ पे मैं क्या लिखूं, मुझे ये तीनों की तीनों स्टाइल क्या है, सबमिट जो बटन है उसके ऊपर अप्लाई होने चाहिए। यदि ऐसे करना है तो मुझे कोड में क्या चेंज करना पड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा कोड क्या लिखना है, मैंने ऑप्शन पे लगाने थे तो उसकी जो मदर टैग है सिलेक्ट है उसके ऊपर मैंने किए। आपको अच्छी तरह पता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्या, कि जो हमारा स्टाइल है वो अप्लाई कितने पे होता है, 3 पे होता है, एक होती है आईडी, सेकंड थिंग होती है क्लास, और थर्ड थिंग होती है पर्टिकुलर टैग नेम। तो वहां पे टैग नेम मैंने सिलेक्ट यूज किया है। यदि मैं सबमिट बटन का भी सेम पैडिंग मार्जिन और कलर देना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा, यानी कि मैंने किसको यूज करना है, इनपुट को, इनपुट क्या है यहाँ पर टैग है, तो मैं इसको इनहेरिट कर देता हूँ मल्टी मतलब मल्टीपल के लिए अप्लाई करने के लिए मैंने इनपुट लिखा। तो क्या हुआ, इस पूरे डॉक्यूमेंट में जो इनपुट टैग के अंदर चीजें हैं उस पे प्लस सिलेक्ट टैग के अंदर जो चीजें हैं उन पे ये कलर अप्लाई हो जाएंगे, ओके। सो दिस इज अबाउट द ड्रॉप डाउन, हम ये फॉर्म की थर्ड वीडियो कर रहे थे, इसके बाद कुछ और कंट्रोल्स आएंगे, फाइल अपलोड का आएगा, टेक्स्ट एरिया का आएगा। जो पूरे कंट्रोल आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो आप किसी एक फॉर्म को पूरे में सभी को इंक्लूड कर सकते हैं, बट सेपरेटली इनको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए क्या है जरूरी है। थैंक यू। कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट में आप लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, इट इज़ टोटली फ्री। और जो आप घर में बैठे हैं लॉकडाउन में, जो ऐसी परिस्थिति बनी कॉलेजेस नहीं है, तो आप बेटर बेसिस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपकी कोई भी क्वेरी है यू कैन टेल मी, एंड लाइक इट, शेयर इट। थैंक यू।